डियर स्टूडेंट, देखिए फिर आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे थे। उसी पर एक क्वेश्चन आज बता रहे हैं, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर, कैश सेल्स दिया हुआ 5 लाख, क्रेडिट सेल 2 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6 लाख और सेल्स रिटर्न दिया हुआ आपको 5000। फिर से समझिए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है, कैश सेल्स आपका है 5 लाख, क्रेडिट सेल 2 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 6 लाख है और सेल्स रिटर्न 5000 है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल इज इक्वल टू होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जब टोटल सेल में से आप सेल्स रिटर्न को लेस कीजिएगा तो आपका नेट सेल आता है, तो टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, दोनों सब मिला के टोटल सेल होता है। जो आप नगद में बेचे और उधार में बेचे टोटल सेल, तो आपका क्वेश्चन में कैश सेल्स दिया हुआ 5 लाख, क्रेडिट सेल दिया हुआ 2 लाख, तो टोटल सेल कितना हो गया 7 लाख हो गया। नेट सेल टोटल सेल्स माइनस रिटर्न, तो टोटल सेल आपका 7 लाख है और रिटर्न आपका क्वेश्चन में 5000 रुपया है, तो आपका नेट सेल हो गया 6,95,000, 6,95,000 हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपका नेट सेल अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन 6,95,000 रुपया आया है और क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 6 लाख दिया हुआ है, तो 6,95,000 में से 6 लाख हम लेस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 95,000 होगा। ठीक से समझे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट सेल इज इक्वल टू होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न दैट इज रिटर्न, तो टोटल सेल इज इक्वल टू होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। आपका कैश सेल क्वेश्चन में 5 लाख है, क्रेडिट सेल 2 लाख है, तो टोटल सेल 7 लाख है और रिटर्न है 5000, तो आपका नेट सेल हो गया 6,95,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 6 लाख, तो आपका नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6,95,000 माइनस 6 लाख, तो योर ग्रॉस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इज 95,000 होगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और बता रहे, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के आधार पर, सेल्स आपको दिया 2,05,000, सेल्स रिटर्न है 5,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको आएगा कि आपका देखिए नेट सेल तो निकल जाएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, लेकिन कॉस्ट पर 25% है, आपको कॉस्ट नहीं है, आपको दिया क्या हुआ है सेल्स दिया हुआ है। फिर से समझिए, आपको कॉस्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेल्स दिया हुआ है। फिर से समझिए, आपका सेल्स है 2,05,000, सेल्स रिटर्न है 5,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट पर 25% है, तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको देखिए, देखिए अब आपको क्या बोले, क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पर और आपका पास क्या दिया हुआ है सेल्स, तो हम लोग मान लेंगे नेट मैंने मान लिया कॉस्ट भी ₹100, मान लिया कॉस्ट 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कॉस्ट का 25%, तो 25 जुटा तो कितना हो गया 100 में 25% जुटा, तो 125 क्या हो गया सेल्स हो गया, तो व्हेन सेल्स इज 125 ग्रॉस प्रॉफिट इज 25, व्हेन सेल्स इज 125 ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25 है, तो 100 में कितना होगा व्हाट, तो व्हाट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 इनटू 25 बाय 125 एंड दैट इज 20% ऑन सेल्स। फिर से समझिए, जब कॉस्ट में दिया रहेगा और सेल दिया रहेगा तो हम लोग कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे सेल्स में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लिया कि कॉस्ट प्राइस ₹100 है और ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर 25% है, तो 25% जुट गया तो सेल्स कितना हो जाएगा 125 होगा, आप लोग मैट्रिक पास आउट है, तो व्हेन सेल्स और जीपी, जब सेल्स है आपका 125 तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25 है, तो सेल्स यदि 100 है परसेंटेज में निकाल रहे तो प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट एंड व्हाट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 100 × 25 / 125, तो 20% ऑन सेल्स होगा। आपका नेट सेल कितना है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, आपका टोटल सेल है 2,05,000 और रिटर्न है 5,000, तो नेट सेल हो गया 2 लाख
2 लाख का 20% आप निकालिएगा तो 40,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। डियर स्टूडेंट, इस तरह छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताएंगे, छोटा फिर बताएंगे, इस तरह बैलेंस शीट बताएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव बताएंगे। लेकिन जब तक हम बेस को क्लियर आपका नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट को, तब तक आप ऑब्जेक्टिव को नहीं पकड़ पाइएगा। इसलिए मैं आज से छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इस तरह से, ताकि आप छोटा छोटा चीज से समझिए, नेट सेल कैसे निकलता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट में है तो सेल में कैसे होगा, ये सब बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। अभी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं समझ पाइएगा, और अकाउंट समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है, क्योंकि जो याद करने की चीज है वो भूल जाने का डर है, जो समझ लीजिएगा लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। इसलिए समझने का कोशिश कीजिए, रटने याद करने का कोशिश नहीं कीजिए।